प्रायोजित फ्रेश लुक ब्यूटी पार्लर कॉलेज रोड रीवा, नेशनल अस्पताल और कैंसर रिसर्च सेंटर नया बस स्टैंड रीवा और उत्सव राजविलास। शादी बारात के लिए रीवा की सर्वश्रेष्ठ जगह धोबिया टंकी रीवा। नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। भारतीय जनता पार्टी ने मनगवा से अपने विधायक पंचूलाल प्रजापति का टिकट काट दिया। आज पंचूलाल अपनी पत्नी पन्नाबाई, जो कि मनगवा की पूर्व विधायक हैं, के साथ रीवा के कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे। उन्होंने आज दो पर्चे दाखिल किए, एक भारतीय जनता पार्टी के नाम से, दूसरा निर्दलीय। पत्रकारों से बातचीत करते हुए पंचूलाल ने साफ तौर से कहा, जब तक सिंबल अलर्ट नहीं होता तब तक मुझे उम्मीद है शायद शीर्ष नेतृत्व एक बार फिर से पन्नाबाई को प्रत्याशी बना दे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। सुनिए पंचूलाल प्रजापति ने क्या कुछ कहा। मैं मनगवा विधानसभा से आपने पर्चा भरा है, और जनता के बीच आप किन किन मुद्दों को लेकर जाना चाहेंगे? हम देखिए आज पर्चा भरा आए तो रोड है और पानी और बिजली और जनता के जौन मांग हुई वो खपूर करवाओ, आ जौन काम करे का है वह काम करवाओ, और जौन काम है पेंडिंग पारा लागे वो खूब काम करवाओ, और जन जन के आशीर्वाद लेके आगे बढ़ा। आपको टिकट नहीं मिला क्यों? 20 साल अपना विधायक रहे, उसके बाद अपना टिकट नहीं मिली, काम क्या हुआ? कारण कोई पार्टी के काम आए नहीं दिन का काज। आपके पति भी विधायक थे? हाँ, पति विधायक, फिर भी टिकट, फिर भी नहीं दिन, तब उमा कोनो कुछ कहा नहीं जाए, कोई राजनीति, कोई मतलब कोनो राजनीति, कुछ कारण, कोई कारण, कोनो कारण नहीं हो गया। आशीर्वाद जनता के बना रहा है और सब लोग अपन अपना पंचन के बना रहा है, आगे बढ़ते जाए। तो आप काहे के लिए लड़ रही हैं ये बताइए? हैं लड़ काहे के लिए रही हैं आप विधायक पद? हम जनता की सेवा करे का, सेवा करत है, आए न इतने दिन भर जनता की सेवा करत है। जनता की सेवा तो बिना राजनीति के भी की जा सकती है? ऐसे नहीं हो सकता है कि बिगुर राजनीति के सेवा करा जाए, राजनीति में सेवा करा जाए। बताइए आज निर्दलीय तौर पर आपने नामांकन दाखिल कराया है? नहीं, देखिए असल में आज हमारी श्रीमती पन्नाबाई प्रजापति पर्चा दाखिल करने के लिए आई, वो दो पर्चे हैं, एक भारतीय जनता पार्टी के नाम पर पर्चा है और एक पर्चा एक निर्दलीय के रूप में। जब तक देखिए सिंबल नहीं प्राप्त होता तब तक काफ़ी उम्मीद बनी रहती है, हो सकता है कि ऊपर के शीर्ष नेता लोग विचार करें और शायद ही इनको टिकट दे, अगर नहीं देंगे तो फिर निर्दलीय पर्चा तो भरा ही है और चुनाव तो लड़ेंगी, हम मैदान पे तो उतर आई तो चुनाव लड़ेंगे। साल रहने के बाद विधायक जी आपको उसके बाद भी आपका टिकट काट दिया गया, मतलब नहीं दिया गया? अब यही बात तो मेरे समझ में नहीं आया कि पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं क्यों मेरा टिकट काटे, क्या कारण रहा, मुझसे क्या गलती हो गई थी, हमने कौन सा बगावत काम किया और जिसके कारण से मेरा टिकट काटा गया, आज पार्टी के शीर्ष नेता हमको नहीं बता पाए। क्या मुद्दे रहेंगे? और जी देखिए मुद्दा तो जब आएगा, जब कोई विधायक बन के जाएगा तब तो फिर मुद्दा रहेगा। ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और देखते रहिए न्यूज नेटवर्क टुडे।